बैठो बताशा। नहीं मैडम जी, मैं बैठूंगा नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं मैडम जी। बोलो। मैडम जी मैं जा रहा हूं और अब फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने आपको बहुत परेशान किया मैडम जी, मेरा अपराध माफी के लायक नहीं। मैं भूल गया था कि इंसान को रात के अंधेरे में सपना देखना चाहिए, लेकिन दिन के उजाले में सपना देखने का गुनाह किया है मैंने। सच तो यह है मैडम जी कि मेरी औकात आपके पैर के नाखून के बराबर नहीं। ऐसा नहीं है बताशा। ऐसा ही है मैडम जी, मैं 5 फुट 2 इंच का गेंडे जैसा इंसान चांद की ख्वाहिश कर बैठा। ये गुनाह नहीं तो और क्या है मैडम जी? पर एक हकीकत ये भी है मैडम जी, मेरी नजर में कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत आप हैं। मेरी नजर में खूबसूरती आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो मैडम जी, लेकिन इसी गलतफहमी में जिंदा रहना चाहता हूं मैडम जी। मैं जाने से पहले एक छोटी सी इल्तजा करना चाहता हूं आपसे, अगर आपने पूरा कर दिया तो भी चला जाऊंगा, नहीं पूरा किया तो तब भी चला जाऊंगा। बोलो। मैं कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत को एक बार चूमना चाहता हूं, और अगर मैंने आपको चूमा तो ऐसा लगेगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं हूं। बताओ तुम मुझे चूमना क्यों चाहते थे? मैडम जी जब से आप मेरे गांव से आई हैं, ऐसी कोई रात नहीं जिस रात सपने में आपने मुझे आई लव यू ना बोला हो और मैंने आपको चूमा ना हो। उस सपने के एहसास को मैं हकीकत में बदलना चाहता था। एक बात सच बताओगे बताशा, क्या सपने में भी तुम मेरे माथे को ही चूमते थे? नहीं मैडम जी, मैं आपके होठ चूमता था। तो आज तो तुम पर कोई रोक नहीं थी, तो तुमने माथे को क्यों चूमा? क्योंकि अब उस पर मेरा अधिकार नहीं मैडम जी, उस पर अब राहुल बाबू का हक है। प्रेम की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी हम उसको असलील नहीं कर सकते, और अगर आज हमने आपके होठ को चूम लिया होता तो मेरा प्रेम असलील हो जाता। थैंक यू मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, बहुत अच्छी। आपको पता नहीं आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। तुम्हें पता है बताशा, तुम एक बहुत अच्छे बहुत सीधे इंसान हो। जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, वो बहुत खुश नसीब होगी। नहीं मैडम जी, अब मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। मेरी जिंदगी में जिसको आना था वो आ चुकी है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बताशा रुको।